वेलकम टू माई YouTube चैनल दुर्गेश किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी बनने वाली इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हम इंस्टेंट जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमने लिया है उसके लिए एक कटोरी मैदा। अब हम मैदे को छान लेंगे। मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और मैदे को डाल के स्ट्रेनर में छान लेते हैं एक बोल में शिफ्ट करने के लिए। लिया है अब मैं डालूंगी इसमें दही। ये बहुत ही छोटी कटोरी मैंने लिया है, इस चम्मच के नाप से 2 चम्मच दही। ये दही नॉर्मल है, अगर आपके पास खट्टी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। दही डालने से इसमें वो जो खटास वाली टेस्ट है वो आएगा। और इसी समय मैं डाल दूंगी इसमें बहुत ज़रा सा मैंने लिया है सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो डाल दें। और इसके डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही थोड़े अमाउंट में फूड कलर है रेड कलर का, जो हल्की सी कलर देगा। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और इन सबको डालने के बाद हम इसे मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे बना लेंगे घोल। अब मैं ले आई हूँ विस्कर, जिससे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, आप एक बार में कभी भी बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इसकी जो बैटरी कंसिस्टेंसी है वो गीली हो जाएगी, जो हमें बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हम बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी एक अच्छी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी बना लेंगे। ये देखिए, ये अभी गाढ़ी लग रही है, थोड़ा इसे व्हिप करें एक ही डायरेक्शन में। और ये देखिए स्मूथ होता जा रहा है बैटर कितना। ये देखिए बहुत ज़रा सा मैंने पानी का इस्तेमाल करा है। अब पानी नहीं डालना है और इसे अच्छे से एक बार फेंट लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा टेक्सचर हो गया इसका, बिल्कुल मुलायम, कहीं पर भी लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये देखिए कितना अच्छा ये निकल रहा है। इसी समय हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, या आपके पास घी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं उसमें ये ऐड करती हूँ। इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करा है, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। ये डालने का मेन रीज़न है कि ये इस जलेबी को कुरकुरे बनाएगी और थोड़े ज़्यादा देर के बाद भी ये कुरकुरे ही रहेगी, इसलिए इसमें इसे डालते हैं। और इसको डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से फेंट लेंगे। आप इसमें देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, शाइनिंग आ गई है इसके अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें और इसे कंसिस्टेंसी देखिए। अब हमें इस बैटर को 10 मिनट के लिए मिनिमम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और उसके बाद हम चलते हैं चाशनी बनाने की तरफ। हूँ ढक के 10 मिनट के लिए और मैं अब चलती हूँ चाशनी बनाने के लिए। तो मैंने लिया है एक पैन, आप किसी भी बर्तन में जिस नाप से मैंने लिया था मैदा उसी नाप से मैंने एक कटोरी चीनी ली है। और इसी कटोरी के नाप से हम आधी कटोरी पानी डाल देंगे, ये देखिए। और हम इसे गाढ़ा होने तक गैस पर पका लेंगे, जब तक इसकी एक अच्छी सी चाशनी तैयार हो रही है। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी उसके पहले ही मैंने एक छोटा सा नींबू लिया है। ये डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो चीनी है जब अच्छे से बन जाए तो एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को रोकने के लिए मैं इस नींबू को इस्तेमाल करूँगी। इससे कोई भी टेस्ट में चेंज नहीं आता, लेकिन बस जो चीनी जमनी स्टार्ट हो जाती है वो नहीं होगा। तो मैं इसमें एक आधा छोटा सा नींबू रस डाल देती हूँ। 10 मिनट के बाद की जो चाशनी है कितनी गाढ़ी हो गई है। मुझे इसमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, इसकी गाढ़ी चाशनी हो गई है, ये मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं इसे अब बंद कर दूंगी और मैं इसमें कोई अभी कलर या केसर का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि मैंने बैटर में इस्तेमाल करा है। तो मैं चाशनी बंद करके इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ। ये बहुत गर्म है अभी, और मैं इसे अब एक साइड में रख के और चलती हूँ अब जलेबी बनाने की तरफ। 10 मिनट के बाद मेरा बैटर कितना अच्छा हो गया, स्मूथ हो गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी हो गई है। अब मैं इसे बनाऊंगी बॉटल से। ये प्लास्टिक बॉटल है मेरे पास केचप वाली, आप चाहें तो इसे कौन से भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, इजी है। लेकिन मैं आज बनाऊंगी, आपको इससे दिखाऊंगी बना के।
तो मैं इसे इसमें भर लेती हूँ पहले। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा फ्लोई कंसिस्टेंसी है, जब मैं इसमें डाल रही हूँ तो कितना अच्छा आ रहा है। ये हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। सारे बैटर को बॉटल में शिफ्ट कर लिया है और मैंने बिठाया है एक कढ़ाई गरम करने के लिए। ये मैंने फ्लैट बॉटम की कढ़ाई ली है। अगर आपके पास कोई पैन हो तो आप उसे भी बना सकते हैं या आप नॉर्मल कढ़ाई पे भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने अब इसको तेल को हल्का गरम कर रखा है, बहुत ज़्यादा हीट पे ना बनाए नहीं तो जलेबियाँ जल जाएंगी। और जब बनाते समय थोड़ी आँच धीमी कर दे और जब हम डाल देंगे उसके बाद हम थोड़ा आँच बढ़ाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से साइज लें। ये देखिए फ्रेंड्स फूल के ऊपर आ गई एकदम से। 2 मिनट तक इनको हो जाने दीजिए, फिर हम इसे पलटेंगे। और यहाँ पर अभी एक स्पेस है तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ एक। ये देखिए फ्रेंड्स कितने जल्दी फूल के ऊपर आ रही हैं। ये मैंने छोटी साइज की जलेबी आपको बना के दिखाई हैं, अब मैं आपको इसके बाद बड़ी साइज की जलेबियाँ बना के दिखाऊंगी। इसे दोनों साइड से थोड़ा कुरकुरा कर लें। जलेबियाँ बिल्कुल तल के रेडी हैं और ये छोटी साइज़ की जलेबियाँ बन के रेडी हैं। अब मैं इसे डायरेक्टली डालूँगी शुगर सिरप में जो मैंने बना के रखा था, ताकि अच्छे से इसे सोक कर ले चाशनी को। और तब तक मैं चलती हूँ सेकंड बैच बनाने की तरफ। जब तक ये सोक हो रही है तब तक हम चलते हैं सेकेंड बैच। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं बनाऊँगी थोड़ी बड़ी साइज़ की जलेबियाँ। अगर आपके पास ऐसी बोतल ना हो तो आप किसी भी वाटर बोतल को भी काट के ऊपर से छेद करके बना सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इसे हो जाने देंगे, फिर हम पलटेंगे। फर्स्ट टाइम में अगर शेप सही नहीं बन रही तो कोई नहीं, बाद में बनाते बनाते इसकी शेप अच्छी हो जाती है। ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी जलेबी बनके तैयार होगी। फ्रेंड्स हम इसे भी निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद हम इसे भी डाल देते हैं सिरप में। और जो पहले वाली जलेबियाँ हैं उसे हम निकाल लेंगे। मैंने कितनी सारी जलेबियाँ बना ली एक कटोरी मैदे से। ये देखिए मैंने इतने सारी जलेबियाँ बना ली है। कुछ जलेबियाँ मैंने डिप कर दी हैं और कुछ जलेबियाँ मैंने निकाल के रखी हैं। सारी जलेबियाँ मेरी रेडी हैं। अब चलिए मैं इसे सर्व करती हूँ।
सारी जलेबियाँ बना के रेडी कर ली हैं। ये तो जलेबियाँ मेरी बहुत सारी बनी है, मैंने आपको थोड़ी सर्व करके दिखाई है, और ये बहुत पतली कुरकुरी और रसीली बनी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाने में बहुत ईजी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही ईजी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।